आज देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय पर उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष श्री दिवाकर भट्ट एक दिवसीय धरने पर बैठे और उपवास रखा। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न मांगों को लेकर ये उपवास किया और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो फिर सरकार इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। देखिए, हम मुद्दे वह हैं जिनके लिए आंदोलन हुआ, जिनके लिए राज्य बने, वो मुद्दे आज मुद्दे ही बन गए। उसमें नंबर एक ये था कि यहाँ के नौजवान को यहीं पर रोजगार मिले ताकि जो क्राइम हो रहा है वो ना हो, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी ज़मीन पर हमारा हक, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काबिज ना हो, जो कि आज इस सरकार ने जो है DM को अधिकार दे दिया कि आप जो है 100 बीघा जमीन पर अपने तो बड़ा हाथ। और दूसरा ये है इसमें कि हमने जो 250 मीटर जमीन का प्रस्ताव पर भाजपा की आज उसी ने उसको खत्म कर दिया, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसके अलावा जो है हमारा रोज़गार, हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को यहाँ पर रोज़गार के लिए एक निश्चित कर दिया जाए कि कितने लोगों को, 80% लोगों को यहाँ रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए जब तक यहाँ भी रोज़गार जो होगा वो सरकार खुद कल्पना करे, हम नहीं बोले, क्योंकि हमने राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया ना, तो आज वो राज्य बना है, तब हम लड़ रहे थे हिंदुस्तान की सल्तनत से, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से, आज हमको लड़ने में कहाँ हम दिक्कत है, यहाँ की सरकार ही हमारे साथ थी, घर के लोग हैं, इनको जब चाहे तब हम इनको जो है आंदोलन के हम प्रखर नेता भी हैं, फील्ड मार्शल हमारा उपाधि भी रही है, तो हमको आंदोलन सिखाने की किसी की जरूरत भी नहीं है। ऐसे क्या कारण बन रहे हैं कि आपका खुद कहना है कि घर के लोग हैं और घर के लोग ही घर की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं, त्रिवेंद्र सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है? देखिए, ये बेचारे गुलाम हैं, कांग्रेस के और भाजपा के जो लोग हैं ये गुलाम हैं, दिल्ली और आपके क्या कहते हैं वो नागपुर, दिल्ली और नागपुर के हाथों में इनका भविष्य है, ये उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? और वो ये कब कह देंगे कि साहब यहाँ के लोगों को रोज़गार दो, बाहर के ना दो, तीन को बाहर वोट कौन देते, ये वोटों की राय, ये ऐसा ये डरते हैं अपने आँखों से, हमारा तो कोई आँखा है ही नहीं, हम अपने आँखा खुद हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है, किसी से डरते हैं, जो हम बोलेंगे वो करेंगे।